हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं बहुत दिन बाद अपने चैनल पर फिर से हाजिर हुई हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आए तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को पुश करना ना भूलिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम के करीब बथुआ लिया है, उसको मैंने अच्छे से वॉश करके कट कर लिया है। और अब हम इसमें कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल दिया है 2 टेबल स्पून के करीब, और इसमें 7 से 8 लहसुन की को अच्छे से कट करके डाल लिया है। तो किसी भी हरी सब्जियों में लहसुन का यूज़ करिए तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। और अब हम इसमें 2 से 3 हरी मिर्च डाल देंगे, और जो मैंने ये बथुआ कट करके रखा है इसको हम डाल देंगे, और इसको हम अच्छे से गला देंगे। तो ये देखिए, अब हम इसको ढक देंगे, और थोड़े ही समय के बाद, 4 से 5 मिनट के बाद, ये देखिए बथुआ हमारा अच्छे से गल गया है। और हमने अभी इसमें नमक नहीं डाला है, और ये देखिए इसमें कितना पानी छूटा हुआ है। तो हम इसी जगह इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे, ताकि जो भी पानी छूटना होगा इसी में छूट जाएगा। यहाँ पर मैंने 1/2 टेबल स्पून के करीब नमक डाल दिया है। और ये देखिए, हम थोड़ा सा इसको भून भी लेंगे थोड़ी देर। ये देखिए, हमने थोड़ा सा पानी सुखा लिया, और अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, सारा बथुआ हमने निकाल दिया, और फिर हम कढ़ाई चढ़ाते हैं, उसमें सरसों का तेल डालते हैं। और तेल गर्म हो जाए तो हम इसमें 1 प्याज इसमें रफली चॉप करके इसमें डाल देते हैं। तो देखिए, प्याज को हम पहले गोल्डन ब्राउन भून लेंगे। तो ये देखिए, थोड़ी देर में प्याज हमारा हो गया है, और अब इसी में हम लहसुन डाल देंगे और 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। तो लहसुन तो फ्लेवर को बढ़ाता ही है, लेकिन जब हम सूखी लाल मिर्च डाल देंगे तो इसमें थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाता है, क्योंकि सूखी मिर्च जब पकती है तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर छोड़ती है। तो ये देखिए, अब हमने इसको अच्छे से भून लिया है, प्याज लहसुन और मिर्ची को। और अब हम यहीं पे 1 टमाटर कट करके डाल देंगे, और उसके साथ हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला है, इसलिए देख के डालिए थोड़ा सा। और ये देखिए, टमाटर अच्छे से भुन गया है। तो अब हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच डाला है, 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है, ये हमने 1/2 चम्मच गर्म मसाला डाल दिया है, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ज़ीरा पाउडर डाल दिया। और अब मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो थोड़ी देर में मसाले अच्छे से भून जाएंगे, तो अब ये जो बथुआ हमने गला के रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और फिर हम इन सबको अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, और बहुत जल्दी बनती है, और टेस्ट तो वाकई में इसका बहुत अच्छा सा आता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो ये देखिए, हमने अच्छे से भून लिया है सब्जी को, और अब हम इसको सर्व करते हैं। तो ये देखिए, हमने प्लेट तैयार कर ली है, और मैंने यहाँ पे इसको रोटी के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो इसको पराठे के साथ खाइए, तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आइए, आप भी इंजॉय करिए, और ये बहुत ही टेस्टी और सिंपल सी रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।